मैं क्लास टीचर हूं और मैंने ही गार्जियन को फ़ोन किया था कि ताकि बच्ची जो है जो भी उसके पास मोबाइल मिला है तो गार्जियन आए और उस साक्ष को देखें कि बच्ची के साथ ये मोबाइल अनवांटेड तरीके से मिला है तो उसको समझेंगे तो गार्जियन अपना जो भी आगे निर्णय लेना होगा लेंगे। मैं क्लास टीचर था, मैंने क्लास टीचर के रूप में गार्जियन को फ़ोन किया और गार्जियन ने उनकी मम्मी ने ये बोला कि मैं अपने छोटे बच्चे को संदीप स्कूल से लेकर के जब आऊँगी तो मैं आ करके और फिर आप लोगों से मुलाकात करूँगी। और उसी 10 मिनट या 15 मिनट के अंतराल में बच्ची ने इस तरीके का डिसीजन ले लिया। लेकिन वहाँ तो गार्जियन ये कह रहे हैं कि हमको पहले हम यही हमारी दुकान है चौक पे, हमने कहा कि हम आ रहे हैं तो कहा नहीं आप गार्जियन जैसे माँ को भेजिए, फिर माँ को बताया गया कि नहीं फादर को भेजिए, आप लोग एक डेढ़ घंटे गुमराह करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, जो 12:30 बजे के आसपास जब फिफ्थ पीरियड 6th पीरियड चल रही थी तो मैंने ही फ़ोन किया सबसे पहले जो है पिता को उनके, तो चूंकि लड़की ने रिक्वेस्ट ये किया, बच्ची ने खुद रिक्वेस्ट किया कि मेरे पिताजी को ना बुलाया जाए, मेरी माताजी को बुलाया जाए, तो उस चीज़ को मतलब सिक्योर करने के लिए बच्ची है, माँ से ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगी, पिता से कम कंफर्टेबल रहेगी, तो इस वजह से हमने ये डिसीजन लिया कि सर आप एक काम करिए मम्मी का नंबर हो तो दे दीजिए, क्योंकि पिता का ही नंबर हमारे पास था तो मैंने खुद उनसे बोला, तो कहें ठीक है आप ले लीजिए नंबर, तो नंबर लिया। फिर मैंने उनकी मम्मी से बात किया तो उनकी मम्मी बोली कि 1:30 बजे के बाद मैं बच्ची को लेकर आ जाऊँगी, छोटे बच्चे को, तो अब उसी का इंतज़ार हम लोग कर रहे थे। और उसके बाद मैं अपने क्लासेस में चला गया, 7th पीरियड चल रही थी, मैं पढ़ा रहा था और 10 से 15 मिनट का जो भी डिफरेंस हुआ उसी डिफरेंस में ये कर। और उसके बाद 1.5 घंटा गुमराह करते कि बच्ची मर चुकी थी, आप गुमराह ऐसा कुछ नहीं कोई गुमराह नहीं किया है। मैटर यहाँ पे ये था कि बच्ची जब उसका एक्सीडेंट हुआ तो उसके साथ हॉस्पिटल ले जाएंगे, पहला काम तो ये है हमारा कि पहले हम उसको बचाने की कोशिश करेंगे ना, तो पहले तो वही किया गया, पहले उसको बचाने की कोशिश की गई, रमा हॉस्पिटल ले गए, फिर वहाँ उन्होंने मना कर दिया, तो हम लोगों ने सोचा हो सकता है इनके पास फैसिलिटी ना हो, तो फिर लाइफ लाइन ले गया आदमी, तो वहाँ भी जब कर दिया गया, तो ये सब काम में तो 5 मिनट तो लगेगा नहीं सर, अगर आप इतना यहाँ वहाँ दौड़ेंगे तो कम से कम 15-20 मिनट 25 मिनट तो लग ही जाएंगे। और गार्जियन का ये भी आरोप था कि बच्ची के साथ और तब तक कुछ गलत हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है, अगर इन्होंने ऐसा आरोप लगाया है तो वो उनकी मतलब अब क्या मैं कहूँ उसके लिए मैं कुछ नहीं कह सकता। हाँ, चूँकि हॉस्पिटल ले जाते समय एम्बुलेंस में उसके कपड़े जो है फट गए थे, उसको फिर हम लोगों ने ढका, हमारा उद्देश्य यही था कि उसको सेफ रखा जाए, और ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा सोच रहे हैं गार्जियन तो या तो कहीं किसी बहकावे में आए हैं या तो उनका उद्देश्य बदल गया हो या तो भ्रमित हो। अच्छा, जो भी हो, जो मोबाइल मिला या कुछ मिला तो आपने प्रबंधन को सूचना दिया था, ठीक है आप लोग वहाँ मैनेजमेंट वो देख रहे हैं, आप लोग प्रशासनिक देख रहे हैं, लेकिन क्या प्रबंधन को जानकारी में विश्वास मिल गया तुरंत? कैसे प्रबंधन को, जैसे मोबाइल की जो चेकिंग होती है रूटीन चेकिंग होती है हर स्कूलों में होती है, ये कोई हमारे स्कूल में नहीं हो रहा है कि अब स्कूल में बच्चे मोबाइल ले आना किसी भी स्कूल में अलाउड नहीं होगा, सभी लोग जानते हैं। तो बस ये उद्देश्य था कि रूटीन चेकिंग में है, महीने में 15 दिन में कभी कभी ऐसे रूटीन चेकिंग हो जाती है, तो फ्राइडे को हुआ था, शुक्रवार को चेकिंग, उस दिन मैम अब्सेंट थी, तो अब हम कैसे डिसीजन लें, तो मैम से बात हुई तो मैम बोली हम सोमवार को आएंगे, फिर उस पर जो भी आगे कर, तो 2 दिन और 2 दिन छुट्टी हो गई शनिवार और रविवार, तो सब लोग अपने अपने काम में व्यस्त हो गए, तो 2 दिन तो किसी ने कुछ किया ही नहीं, कोई एक्टिविटी ही नहीं थी, जो भी हुआ वो सोमवार को हुआ। सोमवार को आने के बाद पहले वाइबा था, मैंने फर्स्ट पीरियड से, मैं खुद क्लास टीचर हूँ, मैंने वाइबा लिया फर्स्ट पीरियड में उस बच्ची का और अच्छे से उसने वाइबा दिया, कोई दिक्कत नहीं थी। फिफ्थ पीरियड लंच के बाद जो है, फिफ्थ पीरियड के बाद फिर 6th पीरियड में मेरी पीरियड फ्री रहती है, तो उसी समय मैम ने बुलाया कि जो है देखिए ये मोबाइल इनकी पकड़ी गई है और आप इनके गार्जियन को फ़ोन कर दिए, चूँकि अब मैं ही क्लास टीचर हूँ तो मेरे ही पास नंबर होगा, तो मैं गया स्टाफ रूम में बैठा, फिर वहाँ पर रजिस्टर ओपन किया, फिर पिताजी का नंबर था इनके, मैंने पिताजी को फ़ोन किया तो बोले कि आप मुझे बता दीजिए मैं ही आ जाऊँ, तो मैं कहा आप दुकान छोड़ के क्यों आएंगे, छोड़िए नॉर्मल सी बात है, जो है मम्मी को भेज, मम्मी का नंबर दे दीजिए मैं उनसे बात कर लेता हूँ वो आ जाएंगे, बस यही बात थी। फिर उनके माता जी को फ़ोन किया गया तो बोली कि सर 1:30 बजे छोटे बच्चे की छुट्टी होती है, मैं उसको लेकर के आऊँगा, मैं कहा कोई बात नहीं अभी समय है आप आराम से आ जाइए। अच्छा, बस यही कह करके मैं 7th पीरियड भाई 6th पीरियड में 30-35 मिनट का होता है, तो ये करके मैं अपने 7th पीरियड क्लास ले रहा था, और जब 7th पीरियड चल रही थी 10 या 15 मिनट बीते होंगे 7th पीरियड का, उसी समय दुर्घटना हो गई और उनके गार्जियन भी फिर मुझे लगता है 140 या 145 तक आ गए थे जब ये घटना हुई, तो कोई अंदेशा नहीं था कि बच्ची इस तरह से घटना, ऐसा कुछ नहीं अंदेशा था, ऐसा कोई अंदेशा अगर होता तो हमारे भी बच्चे हैं और हम लोग शिक्षा का काम कर रहे हैं ना, बच्चों को समझाना बचाना यही हमारी जिम्मेदारी है, इसके अलावा हम मारने का तो काम करते नहीं हैं, बच्चों को बचाने का काम करते हैं। ठीक है।